और अब बात उत्तर प्रदेश की करते हैं। यहाँ पर गोरखपुर में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम के तहत 1500 गरीब बेटियों का विवाह संपन्न हुआ। इनमें से 68 जोड़ों का निकाह भी कराया गया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने नवविवाहित जोड़ों को गिफ्ट और मैरिज सर्टिफिकेट दिया। कार्यक्रम में पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वैवाहिक जीवन में बंधने वाले जोड़ों को आशीर्वाद उन्होंने दिया। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि बाल विवाह दहेज कुप्रथा के खिलाफ सभी लोगों को संकल्प लेना चाहिए। दहेज मुक्त शादियों सामूहिक विवाह कार्यक्रमों में जुड़कर हम सभी दहेज कुप्रथा इससे जुड़ी अन्य कुरीतियों के समाधान में अपना योगदान दे सकते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कार्यक्रम हो, मातृ वंदना कार्यक्रम हो, या फिर महिला सशक्तिकरण के लिए उठाए जाने वाले कदमों के लिए जो कार्यक्रम चला रही है, इसके लिए अनेक अभियान प्रदेश के अंदर चल रहे हैं। हमने पुलिस की भर्ती में 20% अनिवार्य रूप से महिला भर्ती के कार्यक्रम को अनिवार्य रूप से आगे बढ़ाया है। प्रदेश के अंदर 1947 से लेकर 2017 तक की जब हम बात करते हैं तो इस दौरान प्रदेश के अंदर कुल 10,000 महिला पुलिस कार्मिक प्रदेश पुलिस बल में थी और आज भाइयों बहनों इनकी संख्या बढ़कर के लगभग 40,000 हो गई है। वर्ष में ये संख्या 4 गुना से अधिक हो चुकी है, यानी 400% से अधिक बढ़ चुकी है। ये चीजें दिखाती हैं सरकार के कार्यक्रम एक सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और सरकार वास्तव में महिला सशक्तिकरण के लिए कार्यक्रम चला रही है। बेसिक शिक्षा परिषद में आप देखते होंगे जो बच्चे एडमिशन लेते हैं, एडमिशन लेने के साथ उनको फ्री में यूनिफॉर्म, बैग, बुक्स, जूता, मोजा, स्वेटर, ये सभी सरकार उपलब्ध करवा रही है। विद्यालयों को पुनरुद्धार करके नवीनीकरण करने का कार्य हो रहा है। स्मार्ट क्लास लगाए जा रहे हैं, स्किल डेवलपमेंट में रोजगार के साथ जोड़ने के कार्यक्रम हो रहे हैं और गोरखपुर में तो महिला पीएससी बटालियन की स्थापना का कार्यक्रम भी बनने जा रहा है। बहुत तेजी के साथ इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ा रहे हैं। यानी महिला सशक्तिकरण के लिए जो भी कदम उठाए जा सकते हैं सरकार उन्हें उठाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है और आज इसीलिए मैं यहां पर आपके बीच में आया हूं। आधी आबादी को नकार कर कोई समाज सशक्त नहीं हो सकता, विकास की समग्र अवधारणा को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। इसलिए महिलाओं के साथ होने वाले किसी भी प्रकार के भेदभाव अत्याचार को सख्ती से रोकना होगा, उनके सशक्तिकरण के लिए कदम उठाने पड़ेंगे, मिशन शक्ति के कार्यक्रम को पूरी पवित्रता के साथ आगे बढ़ाना पड़ेगा और शासन की योजनाओं के साथ जोड़ते हुए हर बेटी को हर बहन को सुरक्षा के एक बेहतर वातावरण में उसकी पढ़ाई लिखाई हो या फिर उसके रोजगार और नौकरी की व्यवस्था, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के माध्यम से दहेज मुक्त शादी के कार्यक्रम को प्रोत्साहन करने का कार्यक्रम हो या फिर उन्हें समाज में सुरक्षा का एक बेहतर वातावरण देने का कार्यक्रम, ये सभी पूरी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ेंगे। आज के इस अवसर पर 1500 जोड़ों को एक साथ यहां पर वैवाहिक बंधन से जुड़ने का एक अवसर प्राप्त हो रहा है। मैं इन सभी परिवारों को, लगभग 3000 परिवार हैं पूरे गोरखपुर जनपद के अलग अलग गांव, विकासखंड, विधानसभा क्षेत्र और तहसील से यहां पर आए हैं, उन सबको एक बार फिर से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं सरकार की योजनाओं का लाभ प्राप्त करके समाज को सकारात्मक रूप से आगे बढ़ने के लिए आप निरंतर प्रेरित करेंगे। आप सबका ये कार्यक्रम, आप सबका ये जुड़ाव सरकार के सकारात्मक कार्यक्रम को एक नई दिशा देगा। आप सबके प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं हैं। तो वहीं दूसरी तरफ यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य शिवनगरी वाराणसी पहुंचे। यहां पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कई योजनाओं की समीक्षा की, साथ ही उन्होंने कई विभाग में जाकर के योजनाओं की प्रगति को जांचा। दोनों ही मंडल के ग्राम विकास विभाग के अधिकारियों से अब तक हुए कार्यों का समीक्षा किया। कई दिक्कतें भी उन्हें बताई गई। डिप्टी सीएम ने अधूरी योजनाओं को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही अधिकारियों से आगामी 100 दिनों में किए जाने वाले विशेष कार्यों की तैयारियों की जानकारी भी ली है।
से उत्तर प्रदेश ही नहीं देश में भी बहुत कुछ पहली बार हो रहा है। जब एक गरीब माँ बाप का बेटा देश का प्रधानमंत्री बना है माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, पहली बार हुआ है कि 4 करोड़ गरीबों को आवास देश में मिले हैं। पहली बार 80 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का राशन मिल रहा है। पहली बार 220 करोड़ कोरोना की वैक्सीन लोगों को बिना शुल्क लिए लगाने का काम हुआ है। पहली बार हर घर नल से जल पहुंच रहा है। पहली बार हर घर का अंधेरा दूर करने के लिए सौभाग्य योजना से बिजली पहुंच रही है। पहली बार गाँव को भी पक्के मार्गों से जोड़ा जा रहा है। पहली बार आज़ादी के 75 साल में अमृत सरोवर का निर्माण किया गया है। पहली बार हर घर में तिरंगा लहराया गया है। पहली बार आज़ादी के बाद धारा 370 को हटा करके जहां संगीनों के साये में तिरंगे फहराए जाते थे, घर घर तिरंगा फहराया जा रहा है। अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर बनके तैयार हो रहा है। बाबा विश्वनाथ जी का धाम बन गया है। माता विंध्यवासिनी का भी धाम बन करके तेजी से तैयार हो रहा है। रेल मार्ग हो, सड़क मार्ग हो, हवाई मार्ग हो, जल मार्ग हो, चारों तरफ से आवागमन की सुविधा प्राप्त हो रही है। और जो ब्लॉक प्रमुख वीडियो सम्मेलन है, ये गांव के विकास के मुख्य आधार, यानी जैसे देश में सरकार चलाने के लिए देश में बहुमत प्राप्त करना होता है लोकसभा में, और जैसे प्रदेश में सरकार बनाने के लिए प्रदेश में बहुमत प्राप्त करना होता है, वैसे ब्लॉक में सरकार चलाने के लिए ये जो ब्लॉक प्रमुख लोग होते हैं क्षेत्र पंचायत सदस्यों के माध्यम से चुने जाते हैं, और इनके अंतर्गत 100 के एवरेज में ग्राम सभाएं होती हैं। जिन ग्राम सभाओं के विकास का केंद्र ब्लॉक होता है, एक बड़ा गैप रहता था ब्लॉक प्रमुख और बीडीओ के बीच में, या ब्लॉक प्रमुख और ग्राम विकास से जुड़े हुए अधिकारियों के बीच में। उस गैप को समाप्त करके और विकास को गति प्रदान करने के लिए, विकास माने गुणवत्तापूर्ण ढंग से, विकास माने भ्रष्टाचार रूपी रोग से मुक्त कराते हुए, विकास मतलब गरीब हमारी प्राथमिकता पे रहना चाहिए। तो इन विषयों को लेकर के आज का ब्लॉक प्रमुख और वीडियो सम्मेलन भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री और काशी के लोकप्रिय सांसद माननीय नरेंद्र मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में वाराणसी मंडल और विंध्याचल जो मंडल है, इसके 7 जिलों के सभी जो ब्लॉक प्रमुख हैं उनका आज सम्मेलन हुआ था। सारे वीडियो आए थे, सारे सीडीओ आए थे, और विकास से जुड़े सारे अधिकारी आए थे। बहुत दूरगामी पड़